बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल इस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल से देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम आपके साथ DHA वैली के ऊपर जो ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट्स हैं वो शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा DHA वैली के मुतालिक एक ऐसी न्यूज़ जो इस वीडियो में मैं ज़रूरी समझता हूँ शेयर करना, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वो दोस्त जो हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है कि DHA वैली का प्रोजेक्ट 2008 में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहा, ज़्यादातर डाउन्स का ही शिकार रहा, और रिसेंटली इसकी प्राइसेस में एक खातिर खा इजाफा हुआ। आज से अगर एक साल पहले भी हम देखें, अगर सितंबर 2021 में देखें, तो आपको DHA वैली की 5 मरला फाइल जो है तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए में बआसानी मिल जाती थी, और अगर 8 मरला फाइल देखें तो वो भी 14-15 लाख रुपए के अंदर बआसानी मिल जाती थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि DHA वैली की जो फाइल्स हैं 5 मरला फाइल्स तकरीबन 32 लाख रुपए के ऊपर इसका रेट गया, और जो 8 मरला फाइल्स थी इसका तकरीबन 44-45 लाख रुपए तक रेट गया। इस वक्त भी 5 मरला की फाइल तकरीबन 23-24 लाख रुपए में बआसानी मिल जाती है थ्रू आउट ज़ीरो, और जो 8 मरला फाइल है वो भी बआसानी आपको 27-28 लाख रुपए में थ्रू आउट ज़ीरो मिल जाती है। देखना यह है कि ऐसे कौन से अवामिल थे कि जिस वजह से ये 12 लाख वाली फाइल या 10 लाख वाली फाइल 32-33 लाख रुपए के ऊपर गई। इसके बाद मैं आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। यकीनन वो न्यूज़ सुनकर आप समझेंगे कि DHA वैली आने वाले दिनों में अगेन पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जब DHA के अंदर DHA के एडमिनिस्ट्रेटर मेजर जनरल नवीद सफ्तर, आई थिंक उनका नाम है, उनको जब पोस्ट किया गया तो उस वक्त DHA वैली के अंदर काफ़ी ज़्यादा मामलात डिस्टर्ब थे। आप सबको पता है कि DHA वैली जो है वो DHA और बहरिया टाउन का एक जॉइंट वेंचर है। यकीनन एक प्रोजेक्ट जब दो इदारे मिलकर कर रहे हों तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल सामने आते हैं, बजाय इसके कि एक प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली अगर एक डिपार्टमेंट ही कर रहा हो तो उसको करने में आसानी होती है। यकीनन DHA जो है वो पाकिस्तान आर्मी का एक इदारा है और DHA अपनी साख को कभी भी ख़राब होने नहीं देगा। ये प्रोजेक्ट DHA वैली जो है ये काफ़ी अरसे से डिले का शिकार था और इसमें जो इन्वेस्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बददिल हो चुके थे। मेजर जनरल नवीद सफ्तर साहब के DHA के अंदर पोस्टिंग के बाद उन्होंने DHA वैली के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो DHA वैली के अफेक्टिव हैं उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए और उनको प्लॉट्स बैलेट के ज़रिए दिए जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंड की प्रोक्योरमेंट की, काफ़ी ज़्यादा लैंड जो कि DHA वैली मैनेजमेंट के पास नहीं थी उसको परचेज़ किया गया लैंड ओनर से। लैंड ओनर से परचेज़ करना भी एक काफ़ी कठिन मरहला था क्योंकि जो
लैंड ओनर्स हैं जिनकी लैंड डीएचए वैली के अंदर आ रही थी, उन्होंने उस लैंड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी, इसलिए डीएचए को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहरहाल डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर ने और उनकी टीम ने लैंड परचेज़ की और लैंड परचेज़ करने के बाद उसके ऊपर नीचे दो तीन बैलेट्स आपने देखे होंगे। आपको दिसंबर 2021 के अंदर बैलेट नज़र आया, आपको फरवरी 2022 के अंदर बैलेट नज़र आया, आपको अप्रैल 2022 के अंदर बैलेट नज़र आया और उसके बाद लेटेस्ट बैलेट जो है वो जुलाई 2022 के अंदर नज़र आया। यकीनन इससे प्राइसेस जो थी वो ओपन फाइल्स और जो नॉन बैलेट फाइल्स थी उनकी प्राइसेस बढ़ती गई। इसके बाद आपने देखा कि जब ये लास्ट बैलेट हुआ है उसके बाद प्राइसेस अचानक गिरना शुरू हो गए। एक तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मार्केट जो है रियल स्टेट की वो डाउनफॉल की तरफ है। आप डीएचए लाहौर को देख लें, आप डीएचए मुल्तान को देख लें, आप डीएचए गुजरावाला को देख लें, इवन कराची इस्लामाबाद किसी भी डीएचए को देख लें, डीएचए क्वेटा को देख लें, तमाम की प्राइसेस डाउन होना स्टार्ट हो गए। लेकिन डीएचए वैली के अंदर एक और न्यूज़ थी जिसने डीएचए वैली के इन्वेस्टर्स को परेशान किया। वो ये थी कि डीएचए के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे नवीद सफ़दर साहब, उनकी पोस्टिंग जो है मार्केट में, उनकी पोस्टिंग की न्यूज़ आई कि उनको उनका जो टेन्योर है डीएचए के अंदर वो अपना पूरा कर चुके हैं और वो वापस अपने पाकिस्तान आर्मी के को वापस जा रहे हैं। रिसेंटली पिछले दो तीन दिन के अंदर एक जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है और हमने अपने ज़राए से कंफर्म करने की कोशिश की है, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा ज़राए ने कंफर्म भी किया है कि मेजर जनरल नवीद सफ़दर साहब को, जो आर्मी चीफ साहब हैं मेजर जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उन्होंने दोबारा कहा है कि आप डीएचए वैली की जो अफेक्टिव हैं, इनके जो ग्रीवेंसेज हैं, इनके जो रिजर्वेशंस हैं, इनको एड्रेस करें और आप दोबारा डीएचए में जाएं और डीएचए वैली प्रोजेक्ट को आप फाइनल मराहल की तरफ पहुंचाएं, जिसका मतलब ये है कि जो बचे हुए अफेक्टिव हैं उनको भी आप या प्लॉट्स दें, या अगर प्लॉट्स डीएचए वैली मैनेजमेंट नहीं दे सकती तो उनका कोई ना कोई मुतबादल उनको दिया जाए ताकि इन्वेस्टर्स का जो एक एतमाद है डीएचए के ऊपर वो कायम रहे। यकीनन ये ख़बर जो है ये डीएचए की उन अफेक्टिव के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर होगी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब मेजर जनरल नवीद सफ़दर साहब हैं, उन्होंने माजी में डीएचए वैली के अंदर रिकॉर्ड परचेजिंग की है और अभी जो लास्ट बैलेट हुआ था 20 जुलाई 2022 को, इसके अंदर तकरीबन कमोबेश 15,000 अफेक्टिव को प्लॉट बैलेट के ज़रिए दिए गए थे। ये 15,000 प्लॉट्स देना कोई एक आसान काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इसके पीछे जो है वो टीम वर्क था। यकीनन अगर मेजर जनरल नवीद सफ़दर साहब डीएचए को वापस ज्वाइन कर चुके हैं या वो नहीं गए वापस अपना पाकिस्तान आर्मी में, तो ये डीएचए के जो इन्वेस्टर्स हैं डीएचए वैली के, उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर होगी। यकीनन जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो माजी में ये भी कह चुके हैं कि अगर हम डीएचए वैली के अफेक्टिव को प्लॉट्स ना दे सके तो हम उनको अपार्टमेंट्स के अंदर अकोमोडेट करेंगे, और अगर अपार्टमेंट्स के अंदर अकोमोडेट ना कर सके तो फिर उनको कमर्शियल्स के अंदर अकोमोडेट किया जाएगा। ये फैसला डीएचए मैनेजमेंट ने करना है, डीएचए के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने करना है कि अफेक्टिव को वो प्लॉट्स देते हैं, वो उनको अपार्टमेंट्स देते हैं या उनको कमर्शियल्स के अंदर एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, डीएचए की तरफ से, कि अफेक्टिव को कुछ ना कुछ देकर उनको अकोमोडेट किया जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी।
इसके अलावा मैं डीएचए वैली के अंदर आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जो डीएचए वैली को और डीएचए फेज सिक्स को जो ब्रिज कनेक्ट करता है उसके अंदर तकरीबन 95% काम कंप्लीट हो चुका है और वेरी सून आप देखेंगे कि डीएचए वैली और डीएचए फेज सिक्स का जो ब्रिज है वो 100% कंप्लीट होगा, जिससे यकीनन डीएचए वैली के सेक्टर ब्लू बेल और तमाम सेक्टर्स जो बाकी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए ये डीएचए वैली के अंदर अगेन कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन अगेन नॉन बैलेट से ज़्यादा अच्छा टाइम बैलेट फाइल्स के अंदर है। अगर आप डीएचए वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता करें या कॉमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको डीएचए वैली के अंदर जो बेहतरीन रेट के ऊपर चीज़ अवेलेबल है वो आपको लेकर दें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।